फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल ने रानीपुर मोड़ पर उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर फांसी की मांग की है। यमुनोत्री धाम के पूर्व विधायक प्रत्याशी एडवोकेट विपिन कुमार सोनी ने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की कथित नेता के बेटे और उसके साथियों ने मिलकर गलत काम कर निर्मम हत्या की है, हम ऐसे व्यक्तियों को कानून से फांसी देने की मांग करते हैं। वहीं अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु राजपूत ने कहा कि पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों ने मिलकर उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हम कानून से मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं संगठन की महिला शाखा प्रदेश अध्यक्ष रुचि रोहेला ने कहा कि भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहीं इनके कथित नेता सत्ता के नशे में महिलाओं और बेटियों का शोषण करते हैं। महिला संगठन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करती है। उत्तराखंड की हमारी बेटी अंकिता भंडारी वो 6 दिन से पहले लापता रही, तो शासन प्रशासन की लापरवाही लॉ एंड ऑर्डर का जो फेलियर है वो भी इसका साफ हमें दर्शाता है कि शायद वो बेटी हमारी बच सकती थी अगर प्रशासन सही समय पे इसकी सूद दे लेता। उन माँ बाप की जो मैंने जो बाइक सुनी टीवी और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से वो ये कह रहे थे, वो इधर जब ये राजस्व जो वहाँ का क्षेत्र पड़ता है वहाँ जब पटवारी के पास रिपोर्ट लिखाने गए तो पटवारी छुट्टी दे दे, उसके बाद जो जो संबंधित थाना वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि राजस्व का मामला है, इधर उधर उनको भटकाते रहे, सही समय पर उनकी जो भी रिपोर्ट या एफ आई आर थी वो दर्ज नहीं करी थी वहाँ पर। और जो बच्ची थी उसकी आज सुबह 6 बजे उसकी जो है कैटगोरी झील से मिली, तो कहने की बात यह है कि एक तरफ जो हमारे देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे जो युवा और जुझारू मुख्यमंत्री हैं वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो ये जो दाग लगा है उत्तराखंड के माथे पे ये शायद ही कभी ना ढूंढने पाए। और दूसरी बात ये कि आज अंकिता के साथ हुआ है, उत्तराखंड की बेटी कल किसी और के साथ ही ऐसा हो सकता है। हमारे जो मुखिया है प्रदेश के उन्हें तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उन्हें फैसला सुनाकर उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। और मैं ये मांग करता हूँ कि उन माँ बाप का जिनका एक बच्चा जो दुनिया को छोड़ के चले गया, उत्तराखंड की पता नहीं कितनी हजारों बेटियाँ हैं जो नौकरी की तलाश में बाहर जाती हैं, पढ़ाई लिखाई करने जाती हैं या कोचिंग करने जाती हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन लेगा, प्रशासन लेगा, पुलिस प्रशासन लेगा या माँ बाप लेंगे? अब हर जगह तो माँ बाप जा नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को चुस्ती दिखानी पड़ेगी इसमें, और हमारा जो हमारा तंत्र है इसको थोड़ा बहुत ही सीरियस होना पड़ेगा इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि बेटी यहाँ पे अब लग रहा है कि उत्तराखंड में भी शायद बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। अभी धरना प्रदर्शन जो आए अभी दो तीन दिन पहले की जो बात है, संगीता को कुछ दरिंदों ने उसके साथ गलत करके उसको मारकर फेंक दिया है। उस विषय पे हमारा अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल आज धरना प्रदर्शन किया कि उन दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, और हम माननीय मुख्यमंत्री से यही अपील करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप उत्तराखंड को बचाना चाहते हैं तो उन दरिंदों को फांसी दीजिए, नहीं तो उत्तराखंड का पूरा समाज, जो उत्तराखंड का पूरे लोग हैं, वो अगली बार से आपका विरोध करेंगे, क्योंकि अंकिता हमारी बहन थी, सबकी बहन है। परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूँ, मैं इस कठिन घड़ी में उस परिवार के साथ हूँ, और यही मेरी शिकायत मुख्यमंत्री से भी आई कि इस कांड को हुए 8 दिन हो गए हैं और अब सरकार ने संज्ञान में लिया है। 8 दिन तो उस बच्ची के माँ बाप परेशान, और किसी ने उसके प्रति कार्रवाई नहीं की। उत्तराखंड पुलिस ने भी इस मामले को जिस भी साधने की कोशिश की गई, लेकिन शायद कुछ मीडिया की तरफ से इसके लिए आगे बढ़े तो तब जाकर इस मामले को ऊपर में लाया गया और उस बच्ची को शायद अब इंसाफ मिल सके। इसी उम्मीद के साथ आज हमारा संगठन अखिल भारतीय सेवा दल इस मैदान में आकर खड़ा।